नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्लोज का अंतिम चैप्टर है और उसमें सबसे पहले हम जानेंगे विच का प्रयोग, यानी विच का हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए, हमने जो विच का प्रयोग है ये बिल्कुल हु के प्रयोग जैसा ही है, यानी हु का प्रयोग हम किस लिए करते थे, मनुष्यों के लिए हु का प्रयोग किया जाता है। लेकिन विच का प्रयोग जानवर या फिर कोई वस्तुओं के लिए किया जाता है, दोनों में इतना ही अंतर है। जो कंडीशन थी, यानी जो हु का प्रयोग कैसे होता था, उसी प्रकार विच का प्रयोग होता है। हु का प्रयोग करने के लिए आपको किन बातों की आवश्यकता थी, तो जैसे कि हु में हम जानते थे कि आपको जो पहला सेंटेंस है जो पहला आपको सेंटेंस दिया गया है, उसकी आपको क्या रखनी होती थी, या तो आपको कोई नाउन या फिर कोई आपको प्रोनाउन लिखनी होती थी। उसी प्रकार यहां पर भी आपको क्या करना है, विच है तो पहले सेंटेंस में आपको कोई नाउन या प्रोनाउन रखनी है, और जो दूसरा सेंटेंस है और विच के बाद में आपको क्या करना होगा, जो दूसरा आपको सेंटेंस दिया मिलेगा, दूसरे सेंटेंस की आपको या तो कोई वर्ब या फिर आपको कोई हेल्पिंग वर्ब, लिखनी होगी। तो देखिए, सेम कंडीशन है, यहां पर हु में भी यही कंडीशन थी और बीच में भी सेम कंडीशन है, लेकिन हु का प्रयोग मनुष्य के लिए किया जाता है और बीच का जानवर या फिर वस्तुओं के लिए किया जाता है। तो चलिए, अब इसके एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, आई परचेज ए बुक, इट वॉज वेरी कॉस्टली, और विच के द्वारा आपको जोड़ना है। तो यहां पर देखना है, विच का प्रयोग करने से पहले आपको क्या रखना, पहले वाक्य की कोई नाउन या फिर प्रोनाउन। तो देखिए, आई क्या है, प्रोनाउन, और बुक क्या है, नाउन। तो बताइए, आप विच कहाँ लगा सकते हैं, विच क्या आई के बाद में हम विच लिख सकते हैं, नहीं। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि आई क्या है, प्रोनाउन, और प्रोनाउन क्या है, जैसे कि आई मैं, यानी मनुष्य के लिए आया हुआ है, आई मेरे लिए आया हुआ है। लेकिन यहां पर आई यानी मनुष्य के लिए तो हमें हु का प्रयोग करते हैं, विच का तो जानवर या कोई वस्तुओं के लिए। तो चलिए, प्रोनाउन के ठीक बाद नहीं लगा सकते, तो आगे देखेंगे, बुक नाउन ये क्या है, कोई वस्तु है। तो चलिए, कोई वस्तु या जानवरों के लिए तो विच का प्रयोग होता है, तो हम कहां तक लिखेंगे, बुक तक। आई परचेज ए बुक लिख दिया यहां पर। अब क्या करना है, आपको विच का प्रयोग करना है। तो चलिए, ये हमने विच का प्रयोग कर दिया। अब दूसरे सेंटेंस की क्या करनी है, आपको कोई नाउन या प्रोनाउन, सॉरी, दूसरे सेंटेंस की आपको या तो कोई वर्ब या फिर कोई हेल्पिंग वर्ब आपको लिखनी है। और ध्यान रखना, यहां पर देखिए, बुक, बुक के लिए क्या आया हुआ है, इट, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, इट को हटा देंगे, और आगे क्या आया हुआ है, वाज, वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहां से वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से वाक्य को शुरू करेंगे, तो हो जाएगा ये वाज वेरी कॉस्टली। तो चलिए, ये विच का प्रयोग करते हुए हमने दोनों सेंटेंसों को जोड़ दिया। तो चलिए, हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं, दिस इज ए डॉग, इट वॉज बार्किंग एट नाइट, और विच के द्वारा हमें दोनों सेंटेंसों को जोड़ना है। तो देखिए, यहां पर डॉग जानवर है, और जानवर या वस्तुओं के लिए किसका प्रयोग करते हैं, विच का करते हैं। तो जैसे कि हमने इस बार ले लिया जानवर, वस्तु ली थी पहले, अब ले लेते हैं जानवर, जैसे कि दिस इज ए डॉग। तो डॉग क्या है, नाउन है, तो चलिए नाउन तक लिख दिया, यानी आपको कोई भी नाउन या प्रोनाउन तक, तो प्रोनाउन तक तो वाक्य में कम शब्द मिलेंगे आपको, नाउन तक मिलेंगे, क्योंकि अधिकतर जो
केवल इट का ही प्रोनाउन में प्रयोग होता है, बाकी में जैसे कि नाउन आपको मिल जाएगी। तो नाउन तक ले लिया, अब उसके बाद में क्या करेंगे हम, विच का प्रयोग करेंगे। तो देखिए ये लगा दिया हमने विच, तो विच से पहले क्या लगा दिया नाउन या प्रोनाउन में से नाउन लिख दिया। अब उसके बाद में क्या करना, दूसरे सेंटेंस की वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए ये डॉग, डॉग के लिए ही प्रयोग हुआ है इट का, यानी ये कुत्ता। तो चलिए हम क्या कर देंगे, इट को वापस हटा देंगे और फिर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो देखेंगे कि क्या आया हुआ है, वाज हेल्पिंग वर्ब है। तो यहां से सीधा हमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है और हेल्पिंग वर्ब ही है, तो हो जाएगा वाज बाइकिंग एट नाइट। तो चलिए ये तो था विच का प्रयोग। अब विच में एक और भी कंडीशन है जो आपको एक ध्यान में रखनी है, वो क्या है चलिए देख लेते हैं। ये तो था बिल्कुल ये हु की तरह ही है, केवल जानवर या वस्तुओं के लिए किया जाता। अब उसके साथ में विच का एक और भी है, वो ध्यान रखिए। विच का प्रयोग जैसे वो दूसरे प्रकार से पूछेंगे, तो अगर मान लीजिए दूसरे प्रकार से दिया गया है और ठीक उस यानी रिक्त स्थान से पहले आपको कोई प्रीपोजिशन दी हुई है, तो भी आपको किसका प्रयोग करना है, विच का प्रयोग करना है। जैसे कि इसमें आपको इस प्रकार का एग्जांपल मिल जाएगा, तो देखिए I bought a television set in 3D system। अब इस प्रकार का मिलेगा आपको, यानी जैसे दे दिया who, which और whose, और आपको बोलेगा कि इन तीनों क्लोज में से एक का चुनाव कीजिए। तो देखिए जैसे कि I bought a television set और रिक्त स्थान के ठीक बाद क्या है, यानी रिक्त स्थान के ठीक बाद क्या दिया हुआ आपको, इन। इन क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन से पहले क्या है, रिक्त स्थान। तो ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग किया जाता है, विच का। तो टेलीविजन सेट विच इन 3D सिस्टम, तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये था हमारा चैप्टर विच वाला। तो अगला देखते हैं और अंतिम देखते हैं रिलेटिव क्लोज, डेट का प्रयोग। डेट का प्रयोग मनुष्य जानवर वस्तुएं तीनों के लिए किया जाता है और डेट का प्रयोग परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है। डेट में परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग किया जाता है, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि इसके बाद में डेट का प्रयोग किया जाता है। अब कंडीशन के आधार पर डेट का प्रयोग करते हैं किन किन के लिए हैं, जानवर, मनुष्य या फिर वस्तुओं के लिए डेट का प्रयोग किया जाता है। ये तो हुई डेट का प्रयोग कब होता है, जानवर या मनुष्य या फिर कोई वस्तुओं का जिक्र हो तब डेट का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कि कंडीशन के आधार पर अगर हमने जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बढ़े हैं, अगर मान लीजिए उस आधार पर यानी कोई कंजक्शन के तौर पर प्रयोग किया जाता है, तब कोई भी जो हमारी वर्ब सेकंड है या फिर थर्ड है उसके बाद में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो चलिए हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं और इसका लेते हैं पहला एग्जाम्पल। जैसे कि देखिए आई हैड पास्ड ही टोल्ड मी और डेट दिया हुआ है और डेट के द्वारा आपको इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ना है।
तब देखिए हम क्या करेंगे, क्लोज का प्रयोग करते हुए ही टोल्ड मी। अब फिर क्लोज कौन सा हमारा, देट। तो जैसे कि देट का प्रयोग अधिकतर दोनों सेंटेंसों के बीच में प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि अब ही टोल्ड मी आई हैड पास्ट, उसने मुझे बताया, यानी जो काम किया जा रहा है उसको हमने पहले लिख दिया, उसके बाद में देट लिख दिया। अब उसके बाद में क्या हुआ था, आई हैड पास्ट यानी मैंने या मैं उत्तीर्ण कर चुका था। तो चलिए इसको हम बाद में लिख देंगे, आई हैड पास्ट। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल था, ही टोल्ड मी दैट आई हैड पास्ट। चलिए आगे लेते हैं हम सेकंड एग्जाम्पल, तो चलिए ही इज ए थीफ एवरीबडी नोज इट। अब सबसे पहले क्या करेंगे, एवरीबडी नोज इट, इसमें से देखिए इट कॉमन वर्ड के कारण हटा देंगे और एवरीबडी नोज तक वापस लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा एवरीबडी नो, कंजक्शन के तौर पर प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार आपको यहां पर डेट का प्रयोग करना है क्लोज के तौर पर। तो हमने चलिए क्लोज का प्रयोग कर दिया, डेट लगा दिया। अब जो हमारा सेकंड सेंटेंस है, यानी जो बचा हुआ सेंटेंस है, ही इज ए थीफ, ही इज ए थीफ। तो चलिए ये जो आज का टॉपिक था हमारा क्लोज का, जो आज समाप्त हो गया और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा।